हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रू गाइडलाइन, जहां पे आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिलता है आप अपने चैनल को कैसे ग्रो करें। तो मेरा ये चैनल जो है बिल्कुल न्यू ब्रांडेड चैनल है और इसमें अभी एक वीडियो मैंने डाला है और कुछ भी नहीं आया हुआ है, मात्र 4-5 व्यूज मिले हैं। और जैसे ही चैनल क्रिएट किया वैसे प्रॉब्लम आ गया। तो जैसे ही आप चैनल क्रिएट करोगे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ये तो वही कहावत हो गया, सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो वही वाला हाल हो गया। हुआ क्या कि मैंने उसमें जब थंबनेल लगाना चाहा तो थंबनेल वाला ऑप्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, कुछ लिखा हुआ आ रहा है कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए। तो फिर मैंने वेरिफिकेशन किया उसको और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, कैसे मैंने थंबनेल उस पे लगाया, उसमें क्या वेरीफाई करने के लिए कह रहा था। तो आइए हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना है। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे जिस चैनल पे मुझे प्रॉब्लम हुआ था तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया था, इसलिए मैं एक फिर से नया चैनल क्रिएट कर लेता हूँ और उस पर एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे यूट्यूब में खोल लेता हूँ, ये है। तो ये मेरा चैनल नहीं है एक्चुअली, इस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ये मेरा चैनल, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल है ट्रू गाइडलाइन। तो यहाँ एक ईमेल आईडी मेरे पास है और इसमें मैंने लिख दिया है भारत की कहानियाँ। तो इस चैनल पर मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर देखते हैं वो जो प्रॉब्लम था वो क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ से प्लस आइकन पर जाते हैं, देखते हैं मेरे पास कोई छोटा मोटा वीडियो हो। तो इसी वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है तो इसको ही मैं अपलोड कर देता हूँ, ये है। तो इसमें कुछ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थंबनेल ऑप्शन नॉट वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है इसको लिखकर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्लेलिस्ट नहीं देना है आपको। और यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट करना है। तो मैंने नेक्स्ट कर दिया है, अब ये वीडियो अपलोड हो रहा है। तो वीडियो अपलोड होने देते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या है इसमें प्रॉब्लम, क्या आता है। यहाँ पर अब हमारा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, तो हम लोग इसको कहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर डालते हैं और भारत की कहानियाँ, यहाँ पे ये चैनल का नाम है तो इसको डालते हैं। क्या यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग YT स्टूडियो में चले जाते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा। उसी मेल आईडी को खोल लेते हैं और YT स्टूडियो ये है, YouTube स्टूडियो, इस पर चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरा पहले का चैनल है जो जिस पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, तो जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया उसको ओपन करते हैं। तो ये कौन सा ओम भारत की कहानियाँ, इसको हम ओपन करते हैं। इसमें कोई सब्सक्राइबर नहीं, अभी मैंने जस्ट ये वीडियो डाला है, इसमें कुछ नहीं है। इस वीडियो को मैं फिर बाद में डिलीट कर दूंगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें थंबनेल लगाना है। ठीक है, तो इस पर इसको ये एडिट करते हैं, यहाँ से एडिट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर एडिट कर देते हैं। तो एडिट करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को थंबनेल लगाना है, यहाँ पर क्लिक करना होगा इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं और यहाँ पर देखिए ये थंबनेल कस्टम थंबनेल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है थंबनेल यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वर्क नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे जब हम इसको टैप करते हैं तो यहाँ लर्न मोर इस तरह का कुछ लिखा हुआ आ जा रहा है, और टू ऐड कस्टम थंबनेल मतलब थंबनेल को लगाने के लिए, उसको एडिट करने के लिए वेरीफाई योर अकाउंट ऑन यूट्यूब ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से आपको वेरीफाई करना होगा अपने अकाउंट को, तब जाके यहाँ पर थंबनेल लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ से ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से नहीं होगा तो हम लोगों को YT स्टूडियो जो है क्रोम से खोलना होगा। तो हम लोग इसको बैक कर लेते हैं और क्रोम पे चले जाते हैं। यहाँ मैं क्रोम पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे YouTube पे जाते हैं और यहाँ से डेस्कटॉप मोड पे चले जाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप मोड पे यूट्यूब का ये डेस्कटॉप मोड ओपन हो रहा है, ये ओपन हो चुका है डेस्कटॉप मोड। और यहाँ पे मेरा पुराना चैनल का लोगो शो कर रहा है, तो फिर चैनल स्विच करना है। यहाँ पे स्विच अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्विच, तो इस पर ये कौन सा चैनल था, ओम भारत की कहानियाँ। तो यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, उसके बाद इसका यूट्यूब स्टूडियो खोल लेते हैं। यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो है इसका, तो इसको ओपन कर देते हैं। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है जब आप YT स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड में खोलते हैं, तो आपका जो ऐप है बार बार वही खुलेगा, हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना होगा आपको, आप इसको डिसेबल कर दें थोड़े समय के लिए। तो चलिए इसको डिसेबल कर देते हैं।
तो यहाँ पे YT स्टूडियो जो मेरा है वो सिस्टम में दिया हुआ नहीं है, ये डिसेबल नहीं होगा, ये अनइंस्टॉल होगा। तो चलिए इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये हो गया अनइंस्टॉल। अब फिर से हम क्रोम पे चले जाते हैं, यहाँ पे है, और अब YT स्टूडियो जो है आपका खुलेगा बिल्कुल डेस्कटॉप मोड पे। देखिए यहाँ पे वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये है वो चैनल जिस पे सिर्फ अभी जो है एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला है, और इसको एडिट करना है, तो एडिट करना है इसको, थंबनेल लगाना है इस पे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं कंटेंट पे, तो यहाँ पे चले जाते हैं, ये है, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देता है, ये है, ये एडिट का ऑप्शन है, तो यहाँ क्लिक करते हैं और ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। फिर क्या करना है, यहाँ पे अपलोड थंबनेल, तो थंबनेल के लिए यहाँ ऑप्शन देता है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, क्या आता है देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे गेन एक्सेस टू यूज दिस फीचर, तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट में बोल रहा है थंबनेल, फर्स्ट वेरीफाई योर फोन नंबर, तो यहाँ पे फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी आप टच उच करते हैं तो ये कम्प्लीटली ये हट जाएगा, उसके बाद ये भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इस तरह से, ये देखिए हट गया। तो अब जो है, अब यहाँ पे हम थंबनेल में क्लिक करने के बावजूद भी वो ऑप्शन नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, और जनरली ऐसा होता है न्यू यूट्यूबर के साथ होता है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं, ये सेटिंग आइकॉन जो है यहाँ पे चले जाते हैं, इसको खुलने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग चैनल में जाते हैं, चैनल में गए, और यहाँ पे एक है फीचर एलिजिबिलिटी, तो इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है, वेरीफाई फ़ोन नंबर, तो इसको क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, अब जो है उसको खुलने देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल चुका है, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट में ही टिक लगा हुआ है, आप इसको बिल्कुल रहने दें, इसको छेड़छाड़ न करें। टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड, टेक्स्ट के रूप में जो है आपको मैसेज के रूप में मिलेगा, और इंडिया यहाँ सेलेक्ट है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, तो अपना मोबाइल नंबर जो करेंट आपके पास है वही मोबाइल नंबर आप डालना है आपको, ताकि उसमें OTP आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया है, और गेट कोड यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें जो है आपको टैप करना है। ये देखिए मैसेज आ चुका है, इसको यहाँ पे डाल देते हैं। इसको डालने के बाद जो है आप सबमिट, यहाँ पे सबमिट है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फ़ोन नंबर वेरीफाइड, कॉन्ग्रेचुलेशन योर फोन नंबर इज नाउ वेरीफाइड। फोन नंबर वेरीफाइड होने के बाद आप जो है उसमें इजीली थंबनेल लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं थंबनेल लगाने के लिए, बैक चलते हैं। ये देखिए जब आपका वेरिफिकेशन हो जाए तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, डिफॉल्ट फीचर्स इनेबल एंड वेरीफाई फोन नंबर, तो फोन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे आते हैं यहाँ थंबनेल ऑप्शन में, तो यहाँ पे थंबनेल ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो नहीं ले रहा है। एक बार हम लोग इसको बंद करके फिर से खोलते हैं तब पता चलेगा। एक बार फिर से मैं YouTube पे हूँ, और यहाँ से फिर से लोगों पे जाता हूँ, और YT स्टूडियो को ओपन करता हूँ। YT स्टूडियो ओपन हो चुका है, और यहाँ कंटेंट में जाता हूँ, तो एडिट पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं। यहाँ है थंबनेल अपलोड, अब यहाँ क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब जो भी थंबनेल आपके पास बना हुआ हो तो फिर आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि मेरे पास कोई थंबनेल है, थंबनेल मेरे पास एक थंबनेल है, चलिए डाल देते हैं इसको। यहाँ पे ये है, ये थंबनेल है, ये देखिए यहाँ पे ये थंबनेल आ चुका है, और हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव ऑप्शन, यहाँ पर सेव है, इसको सेव कर देते हैं, ये सेव हो रहा है, और ये सेव हो गया। ये देखिए ये थंबनेल जो है ये मैंने डाल दिया है, और ये थंबनेल इस पर लग गया है। यहाँ पे हम जाएंगे बैक, एक बार बैक जाते हैं। ये देखिए अब जो है यहाँ पे ये थंबनेल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से थंबनेल का जो प्रॉब्लम है आप अपने मोबाइल को किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल में आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑन कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।